कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार लगातार इस क्षेत्र में नए नए टूरिस्ट जोन खोल रही है। आज एक नया टूरिस्ट जोन खोला गया है जिसका नाम रखा गया है पर्यटन क्षेत्र हाथी डगर। इस क्षेत्र में लगभग 30 जिप्सियां सुबह और 30 जिप्सियां शाम चलने की बात की जा रही है, जिससे लगभग रोज यहां पर 100 से 150 पर्यटक दिन में सुबह और शाम की पाली में जाएंगे। इससे पर्यटकों को तो नए क्षेत्र देखने का मौका मिलेगा ही, साथ ही यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको कारोबार भी अच्छा मिलेगा, उन लोगों के लिए रोजगार की नई चीजें सोची जा रही हैं। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, स्थानीय लोगों को जिस तरह से रोजगार देने की बात सरकार कहती है उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस प्रकार के नए नए टूरिस्ट जोन खोले जा रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे जानेंगे इस पूरे विषय के बारे में। नमित, ये जो पूरा इलाका है एक ग्रामीण क्षेत्र है, इस पूरे इलाके में जिस तरह से रोजगार को लेकर के सरकार बात करती है, नए नए टूरिस्ट जोन खोले जा रहे हैं, इससे कितना फायदा होगा स्थानीय लोगों को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो जोन खुला है नया, इससे अभी जैसे कि 25 गाड़ियाँ सुबह हैं, 25 गाड़ियाँ शाम को हैं, तो लगभग 50 लोगों को तो रोजगार डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गाइड आ जाएंगे। इतने 50 लोगों को वैसे मिल जाएगा। फिर जिप्सियाँ बड़ी हैं, अभी कॉर्बेट में आपने एक चीज़ सुनी होगी बीच में कि अस्थायी जिप्सियों को बाहर किया गया, तो उन लोगों को भी यहाँ पर काम मिलेगा, तो जिप्सी वालों का भी अपना काम चलेगा, गाइडों का भी काम चलेगा। बहुत बढ़िया ये पहल की है सरकार ने, इसके लिए हम सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जो पूरा इलाका है इससे पहले यहाँ पे एक जोन और खोला गया था फाटो जोन, उसको बताते हैं कि लगातार उसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है, अच्छा पैसा सरकार को, राजस्व भी मिल रहा है, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी रोजगार की बात कही जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, फाटो जोन एक ऐसा जोन है आज की तारीख में जो मैं समझता हूँ कि पूरे कॉर्बेट में नंबर वन पर चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो गर्मियों के समय में वहां पर लगभग रोज़ टाइगर दिखाई दे रहा था, तो अच्छी स्थिति है। और रही बात आपने रोज़गार की बात करी है, वहां पर कैंटीन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कई लोगों के रोज़गार से जुड़े हुए हैं। लगभग 50 गाड़ियां सुबह हैं, 50 गाड़ियां शाम को हैं, तो डायरेक्टली 100 लोग तो यही हो गए, फिर 100 जिप्सियाँ आती हैं, 100 लोग वो हो गए 200 लोग, और बहुत सारी दुकानदार जैसे कि मालवन क्षेत्र में जो दुकानें हैं उनको भी इससे कई गुना लाभ हुआ है। तो ये अच्छी कोशिश है सरकार की, जगह जगह जो जोन खोल रही है उसके लिए हम आभारी हैं सरकार। अच्छा, एक और है हमारे साथ शर्मा जी। शर्मा जी, नए नए जोन खोलने की सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, इस पूरे इलाके की अगर बात करें, कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों की और कॉर्बेट नेशनल पार्क की, लगभग 11 से 12 टूरिस्ट जोन खोल दिए गए हैं, फिर भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इससे क्या फायदा होने वाला है स्थानीय लोगों को और पर्यटन के क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पर्यटन पर लोग आश्रित हैं और यहाँ की इकोनॉमी पर्यटन पर डिपेंड करती है? देखिए, जो है जो पर्यटन जोन खुल रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर पर बीच में जो है मानव और वन्यजीव की जो है जो संघर्ष की घटनाएं घटित हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि ग्रामीण जो है जंगलों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई अवसर नहीं होता है। और ये इस पर्यटन जोन के खुलने से जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीणों की जंगलों पर जो आधारिता है वो कम होगी और पर्यटन भी यहाँ बढ़ेगा और यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका रोजगार भी मिलेगा। चलिए, कुछ और लोग हैं जानते हैं, कुछ पत्रकार लोग भी हैं, लगातार फॉरेस्ट को कवर करते रहते हैं, पत्रकार लगातार फॉरेस्ट को कवर करते हैं। हमारे साथ जीवन भाई है। जीवन भाई, आप लगातार फॉरेस्ट को कवर करते हैं, लगातार आप देखते आ रहे हैं, इस इलाके में जो नए नए टूरिस्ट जोन खोले जा रहे हैं उससे कितना फायदा हो रहा है? देखिए, रोजगार लोगों को मिल रहा है, फायदा तो हो ही है, जिप्सी जा रहे हैं, पर्यटक आ रहा है और लगातार भाई एक बात सोचे ना, जिस तरह से हाँ ये कह सकते हैं कि अति भी खुलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कि रोजगार के लिए तो जरूरी है ही। अब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लगातार उनको कई चीज़ें, उनको होम स्टे है या कई चीज़ें खुलेंगी तो उनको फायदा ही होगा। अच्छा, ये जो पूरा इलाका है मालधन, इसे बताते हैं एशिया का सबसे बड़ा दलित बहुल क्षेत्र है, ऐसे इलाके में डेवलप करना रोजगार के लिए सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है, जैसे अभी मालधन में फाटो जोन खोला गया, अभी के हाथीडगर जोन खोला जा रहा है, इसके अलावा और भी कई जोन प्रस्तावित हैं, क्या लगता है इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलेगा और आगे लगता है कि और बढ़ेगा ही। चलिए, कुछ और लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े रहते हैं डायरेक्ट रूप से, जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ टूरिस्ट गाइड हैं सब लोग ना, क्या लगता है जो नए नए जोन खुल रहे हैं इस पूरे इलाके में उससे कितना फायदा होगा नए नए बच्चों को जो रोजगार के लिए आगे आ रहे हैं? रोजगार के पर्पज से बेटर है, रोजगार के पर्पज से बेटर है बहुत। अच्छा, है आज इससे कितना फायदा होगा और कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा? देखो, आसपास की आजकल की जो आसपास के लोग हैं वो सब गरीबी हैं
और उनको काफ़ी रोज़गार भी मिल सकता है इससे, जैसे दुकानें खोल सकते हैं और अपना चाय कॉफ़ी जो भी वो बांट सकते हैं, टोपी वगैरह, तो काफ़ी रोज़गार मिल सकता है उनको भी। और अच्छी बात है ये कि आज जॉन खुल रहे हैं। अच्छा, जो नए बच्चे आप लोग हैं, आप ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश में आते हैं, सरकारी नौकरियां इतनी नहीं मिल पाती, तो जो ये प्राइवेट सेक्टर में आकर के नौकरियां मिल रही हैं, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? इससे बहुत फ़ायदा है हम लोगों को, क्योंकि हमें एक तो घर के पास भी मिलता है रोज़गार, और अच्छा रोज़गार है, ये नहीं है कि बुरा है। और जो टूरिज्म एरिया है उससे हमें थोड़ी आगे बढ़ने का नॉलेज भी हो रहा है, और बहुत से लोगों को इसको अनेकों रोज़गार मिल रहे हैं ना। अच्छा, पहले हम देखते थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिलाएं और लड़कियां बहुत कम दिखाई देती थी, अभी कितने आप लोग हो और किन किन जोनों में लड़कियां काम कर रही हैं? ऐसे तो काफ़ी सारे जोन खुल चुके हैं जिसमें लड़कियां काम कर रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है कि यहाँ पे लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेस्ट आते हैं तो बहुत खुश होते हैं हमें देखकर कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां सब हमारी तारीफ करते हैं कि आज लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप जंगल में हो, कैसे काम कर रहे हो, ये सब बोलते रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हाँ आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास, जिस प्रकार के नए नए जोन खोले जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ जो वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती, परेशान होते हैं, उनके लिए भी रोजगार के नए आयाम तलाशे जा रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास लगभग 11 से ज़्यादा टूरिस्ट जोन नए खोले गए हैं जिसमें लगातार पर्यटक आ रहे हैं, और भी कई ऐसे टूरिस्ट जोन हैं जो प्रस्तावित हैं और आने वाले भविष्य में वो खोले जाएंगे। स्थानीय लोगों के रोजगार के मद्देनजर और टूरिज्म के मद्देनजर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क और उत्तराखंड के लिए काफी मुफीद साबित हो रहा है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।